हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि घड़ी का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों समय, तो उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे वेन आर एक का है दोस्तों सब्जी टमाटर उसके बाद फल, तो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न दोस्तों और काफी सारे स्टूडेंट गलती कर दिए थे, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। और भी प्रश्न है देखिए, लुप्त संख्या की बात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दोस्तों इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, टीसीएस और भी जो अलग अलग एजेंसी कंडक्ट कराए दोस्तों बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया गया, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 449 है दोस्तों, जिसने 448 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से ये क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओएसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि घड़ी का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर समय लिखा है, तो उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या करने से होगा, काफी इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये देखिए, तो जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, यानी कि हम लोग घड़ी में क्या करते हैं दोस्तों समय को देखते हैं, तो उसी प्रकार से थर्मामीटर यानी किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो थर्मामीटर में जो है तापमान को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में पूछा है, समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से घड़ी का संबंध समय दिया है, यानी घड़ी क्या करती है दोस्तों समय को बतलाती है, तो उसी प्रकार से थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही किया। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एकदम रोक के और अपने से बनाइए। देखिए जैसे कह रहा है श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं यहां पर जैसे है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए बताते हैं तरीका क्या करने से आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर 14 है, फिर 11 है, फिर हम लोगों के सामने 33 है, फिर इस जगह पर है दोस्तों 29, फिर हम लोगों के सामने देखिए इस जगह पर लिखा है 116 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो लॉजिक को देखिएगा कि क्या करने से आंसर निकल सकता है, कि 14 से यदि आप 11 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए माइनस क्या कर दिया है, 3 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, गुना उसने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि आप 33 से यदि इस पे आ रहे हैं दोस्तों, तो माइनस 4 कर दिया, और 29 से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने इसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना 4 कर दिया। देखिए लॉजिक को देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीरीज को घुमाया है, बस समझना था, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज था कि देखिए एक बार माइनस 3 तो गुना 3, माइनस 4 तो गुना 4, उसी प्रकार से अगला जो आएगा सर, तो हम समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि इस जगह पर आप क्या कर देंगे, तो माइनस 5 कर देंगे। तो जैसे ही माइनस 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, रटने से नहीं होगा, इस तरीके के प्रश्न कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन श्रृंखला वाले पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है।
तो जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो देखिए हम लोगों का कैसा बनेगा। यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा, देखिए आयना में अगर रेखा इस प्रकार से देखिए इधर से अगर ऐसा है दोस्तों तो मिरर में देखिएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये बात हमेशा समझना होगा कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से है तो मिरर में क्या देखेंगे ऐसा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब होता है। यानी कहने का मतलब अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ गए, तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, यानी इस प्रकार से फिगर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, फिर इधर से हो जाएगा, और फिर एक रेखा हम लोगों के सामने यहाँ से कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके का होगा, किस ऑप्शन में बना हुआ है, देखिए हम लोगों का ए नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर ये वाला रेखा इधर से है तो ये वाला रेखा किधर से होगा, ये इसीलिए हमने अभी आपको बताया बेसिक बात, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों एनालॉजी, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं दोस्तों, रीजनिंग में हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं और बहुत सारे पार्ट हो चुके। अगर आप चैनल पे जाके पार्ट वन से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों और सारे पार्ट को देख लेते हैं, यानी जैसे अभी पार्ट हम लोगों का यहाँ कहाँ हो जाएगा तो 450 तक हो गया, अगर देख लेते हैं दोस्तों तो हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और रीजनिंग में कोई भी सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं होगा अगर सारे पार्ट को आप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए जैसे चौथा क्वेश्चन दिया है, करें इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए एकदम आपको अपने से ट्राई करना है, जैसे आप अपने से ट्राई कीजिएगा दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बनने लगेंगे। तो देखिए इसका संबंध उसने यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं जे के, उसके बाद क्यू, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों आई, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है एस आई, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों टी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने यहाँ तक लिख दिया, तो इस जगह पर जो हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, देखिए बता देते हैं हुआ क्या है और कैसे, कि एन से यदि जे पर जाएंगे, ओ से के पे, यू से इससे, यानी देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा, यानी कई बार इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों। लॉजिक को देखिए कि एन से यदि जे पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, माइनस क्या कर दिया, चार कर दिया। ओ से यदि के पे आएंगे तो माइनस चार, यू से यदि जाएंगे इस पे माइनस चार, यानी यहाँ पर आएंगे दोस्तों माइनस पांच, एक बार उसने माइनस पांच किया, यानी सब में देखिए माइनस चार। उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर कर देते हैं समझने का प्रयास, माइनस चार इसमें भी हो जाएगा, माइनस चार इसमें भी हो जाएगा, माइनस चार तो घटा दीजिए। देखिए एस में से जैसे ही चार कीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से आई में चार जाएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लॉजिक को देखिए यहाँ पर ई आ जाएगा, ई में चार घटेगा तो यानी ए हो जाएगा, और टी में चार घटेगा तो हम लोगों के ई, यहाँ पर देखिए गलती कर दी हमने, यहाँ पर क्या घटाना होगा पाँच, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपने पाँच घटा तो यहाँ पर आप कैसे इस तरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाँच हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और क्या करने से आंसर आ गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ओ ई ओ क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, लगभग स्टूडेंट गलती कर दिए, कोई कह रहा है कि ए होगा, कोई कह रहा है बी होगा, कोई कह रहा है सी होगा, कोई कह रहा है डी होगा, अब पते नहीं चल रहा है कि इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा क्या और कैसे करेंगे। तो लॉजिक को देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए कि टमाटर जो है दोस्तों, आप जानते हैं हर एक स्टूडेंट जानता है कि टमाटर का प्रयोग हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों, तो सब्जी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जी के अंतर्गत करते हैं, यानी टमाटर का आप जानते हैं कि टमाटर सब्जी के अंतर्गत आता है, और फल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। आप जानते हैं कि टमाटर का जो इस्तेमाल है हम लोग किस में करते हैं, तो सब्जी के अंतर्गत करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट करते हैं कि सर ये कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि टमाटर तो एक फल होगा। देखिए जो एजेंसी कंडक्ट कराए उसने क्या किया, बिल्कुल यही को आंसर दिया और यही वाला उचित आंसर होगा। क्यों, क्योंकि उसने दिया
आया था बुक में क्या कि टमाटर का जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर सब्जी में, हम लोग फल में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले ही फल के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है, हमने डाउट क्लियर कर दिया, इस प्रश्न का आंसर ए होगा, यानी सब्जी के अंदर टमाटर और फल क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत गलत आंसर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन दिया, चलिए करके बताइए लुप्त संख्या मिसिंग नंबर, अलग अलग टाइप का इस तरीके का डायग्राम बना हुआ रहता है, कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा, कहेगा वहां पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए अब बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, लॉजिक को समझने के बाद हो जाएगा, ये देखिए एक और यहाँ पर गुना दो कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने दो हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर देखिए दो गुना दो कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। देखिए पहले आपने क्या किया कि इन दोनों को गुना किए, एक गुना दो तो हम लोगों के सामने क्या आया दोस्तों, ये वाला दो आया। उसी प्रकार से जब इन दो गुना दो करेंगे तो अब ये वाला क्या आ जाएगा दोस्तों, चार आ जाएगा। तो देखिए दो गुना दो चार, उसी प्रकार से अब इन दोनों को गुना कीजिएगा, देखते चलिए कैसे कैसे गुना कर रहे हैं, वही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा फिर दो गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, चार, लॉजिक को समझिए आठ हो जाएगा। फिर अब इन्हीं दोनों को गुना, यानी कि यहाँ पर आठ आ गया, ये वाला आठ आ गया, तो फिर इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चार गुना आठ को गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बत्तीस आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं समझे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए करना कुछ नहीं, इन दोनों नंबर को उठाए एक गुना दो, ये देखिए एक गुना दो जैसे ही यहाँ पर लिए तो आपका क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है सर यहाँ तक समझिए, एक गुना दो आप बोले तो क्या हो गया, दो हो गया। तो ठीक है उसी प्रकार से, यानी कि कौन सा दो, तो हम लोगों के सामने एक गुना दो किए तो मान के चले कि यही हम लोगों का यही वाला दो ले लिए। ठीक है उसी प्रकार से अब देखिए ये दो गुना दो करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए दो गुना दो जैसे ही कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, चार। तो देखिए हम लोगों के सामने यानी कि ये वाला क्या आ गया दोस्तों, चार आ गया। यानी इस तरीके से सोचना, उसी प्रकार से देखिए इन दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, अब दो गुना चार को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। देखिए लॉजिक को समझना होगा कि किस तरीके से दिया आठ हुआ, फिर हम लोगों के सामने इधर ये वाला आठ, अब चार गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, आठ हो जाएगा। तो चार गुना आठ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बत्तीस हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बत्तीस आएगा, लॉजिक हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं कि सर हमसे धुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट यही कहने लगते हैं हम समझ ही नहीं पाए कि आप क्या कहना, हम बता दिए कि एक गुना दो, थोड़ा सा तो हिंस लगाइए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है सातवां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कांता का क्रम ऊपर से 16वां है तो अंत से उसका क्रम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी दोस्तों लगातार सेट में देख रहे हैं कि हम लोगों का अभी जो लगातार 5-6 सेट में इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया, तो आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं ट्रिक, हमेशा एक ही ट्रिक पे इस तरीके के सवाल बनते हैं, कौन सा ट्रिक है सर। तो ये देखिए हम लोगों का एक ही सूत्र लगता है कि कुल, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कुल बराबर हम लोगों का सूत्र होता है, जैसे ऊपर है तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों, देखिए इस जगह हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा ऊपर, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे, ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का नीचे, यही वाला सूत्र लगाना था ऊपर प्लस। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस जगह पर लिख देते हैं कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों के सामने कि ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे, ऊपर प्लस नीचे, माइनस क्या कर देना है दोस्तों वन कर देना है, बस इतने में आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे तो कुल हम लोगों का 42 छात्र है तो 42 हो जाएगा, ऊपर से यानी कि कह रहा है कि 16वां है और नीचे से यानी अंत का मतलब क्या होता है नीचे होता है, तो नीचे से निकालना है, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों वन हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस जगह पर कर देते हैं, देखिए 16 में से एक घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों नीचे, यहाँ तक तो आ गए ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, और इधर 42 का 42। अब क्या कीजिए, ये 42 के इधर इस साइड में क्या ले जाइए दोस्तों 15, तो यहाँ पर कर दिया जाए, देखिए इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों 42 और माइनस क्या हो जाएगा 15, क्योंकि बराबर के उस पार जाएगा, और इस साइड में आप क्या लिख दीजिए नीचे लिख दीजिए, कौन साइड में नीचे लिखना होगा तो इस साइड में सिर्फ आप नीचे लिख दीजिए दोस्तों, क्योंकि अंत का मतलब वही होता है इधर नीचे,
तो देखिए 42 में 15 घट जाएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, एक दाए 10 दो 12, तो 12 में से 5 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 7, इधर बचा 3 में 1 जाएगा 2, यानी 27 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देख लीजिए, घबराना नहीं है, किस तरीके का प्रश्न है तो कैसे करेंगे, बस ट्रिक याद रखेंगे, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, कभी कभी दायां बायां भी लिखा रहता है तो वही काम। खाली देखिए हमने क्या क्या जो दिया गया बैठा दिए, 16 में से 1 घट गया 15, खाली बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस नहीं होगा। 42 के देखिए हमेशा याद रखिएगा कि 15 उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहां पर माइनस किए तो इस प्रश्न का आंसर 27 आ जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन करें कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, 1 अलग है, इनमें से कौन सा अलग है तो चलिए बताइए। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का एक तरीका होता है, यहाँ पर लॉजिक देखना है। देखिए 2 संख्या दिया गया तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हुआ क्या है, देखिए लॉजिक कि 36 से यदि 72 पे जा रहे हैं तो उसने क्या कर दिया है, उसी प्रकार से देखिए इससे इस पे जा रहे हैं, उसी प्रकार से इससे इस पे जा रहे हैं और इससे क्या दोस्तों इस पे जा रहे हैं, तो उसने क्या किया है देखिए यहाँ पर उसने गुना 2 कर दिया, उसी प्रकार से गुना 2 कर दिया, यहाँ भी गुना 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई गुना नहीं किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने क्या किया, जितने भी संख्या है सब में गुना 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं है, इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में लव को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों वार को कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए लव तो यहाँ पर लिख लीजिए एल ओ वी और ई, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, तो इस जगह पर लिख दिया एम, उसके बाद है दोस्तों पी, उसके बाद लिखा है डब्ल्यू, उसके बाद लिखा है एफ, तो उसी प्रकार से कह रहा है इसका डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों W A और क्या हम लोगों के सामने R है, तो ठीक है यहाँ पर हमने इस प्रकार से कर दिया W और A और क्या दोस्तों R, तो ये देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर। L से यदि M पे आ रहे हैं, O से P पे आ रहे हैं, V से W, E से F, यानी कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि या तो क्या दोस्तों कमी, देखिए किस कितना टाइप में क्वेश्चन, कभी एनालॉजी में ढुका देता है तो कभी हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग में आ जाता है, तो कभी हम लोगों का क्लासिफिकेशन में चला जाता है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है दोस्तों अटैच है। तो देखिए एल से यदि एम पे आएंगे तो यहाँ पर प्लस 1, उसी प्रकार से ओ से पी प्लस 1, बी से डब्ल्यू प्लस 1, ई के बाद एफ प्लस 1, तो उसी प्रकार से सब में आपको क्या करना है दोस्तों प्लस 1 कर देना है, इसमें भी क्या करना है 1 कर देना है, प्लस 1 कर देना है, तो जैसे ही प्लस 1 कर देंगे तो आपका क्या आंसर होगा, W के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों X होता है, A के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो A के सामने B हो जाएगा और R के सामने S हो जाएगा, तो X B S ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए X उसके बाद B और क्या हो जाएगा S, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों ब्लड रिलेशन से दिया गया है, तो चलिए करके बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर कह रहा है एक औरत एक आदमी को इशारा करते हुए कहती है मैं, कह रहा है कि मैं इसके दादा के एकलौते पुत्र की एकलौती पुत्री हूँ, देखिए किस तरीके से दिया है, तो कह रहा है कि वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, अब चलिए बताइए क्या होगा, माँ होगा, मौसी होगा, बहन होगा, चाची होगा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए यानी यहाँ पर सीधा सा है दोस्तों कि एक औरत एक आदमी, तो ये कह रहा है कि एक और एक औरत जो है यहाँ पर लिखा है एक औरत जो है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, यानी एक औरत करे कि मैं इसके दादा, यानी इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों सीधा सा सवाल क्या लिखिए कि इस जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, पहले आदमी को लिख लीजिए, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों आदमी हो जाएगा, हमने आदमी को लिख लिया, और इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों औरत लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए दोस्तों औरत, बस इस जगह पर लिखे अब हो गया, करें एक औरत एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मैं, यानी मैं जो है इसके दादा, इसके किसके लिए दोस्तों आदमी के लिए, तो आदमी का कोई क्या होगा दोस्तों पिता होगा, यहाँ पर देखिए पिता का कोई क्या क्या होगा दोस्तों पिता होगा, तो यही इसका क्या होगा दोस्तों दादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों दादा हो जाएगा, यानी इस आदमी का क्या हो जाएगा दोस्तों दादा हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख दिए। देखिए करा इसके दादा के एकलौते पुत्र, तो एकलौते पुत्र की
एकलौते पुत्र की एकलौती पुत्री, यानी इसका क्या है दोस्तों, एकलौती पुत्री खुद यही है, यानी यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एकलौती पुत्री हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में जो लिखे समझने के लिए लिखे, तो बताइए करा कि वह आदमी उससे किस प्रकार से, वह आदमी जो है दोस्तों, यानी यह आदमी इससे किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अच्छे से आप देख लीजिए, समझ जाएंगे, कुछ भी नहीं। एक औरत एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मैं, यानी मैं जो है किसके लिए आया, यानी कह रहा है कि मैं इसके दादा, इसके यानी मैं खुद औरत लिया, और इसके यानी आदमी के लिए कह रहा है इसके दादा, तो दादा यानी कौन होगा दोस्तों, पिता का, जो पिता का पिता होगा वही दादा, तो वह कह रहा है इसके दादा के इकलौते पुत्र की क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो वह औरत उस आदमी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग अलग टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए कोडिंग का। अब यहाँ पर देखिए बॉय को इस प्रकार से दिया है, यानी किसी कूट भाषा में बॉय को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गर्ल को क्या लिखा जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक कोडिंग दिया गया है, तो चलिए करके बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से होगा। तो देखिए बता देते हैं दोस्तों हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर, इस जगह पर लिख देते हैं, देखिए बी ओ और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने हुआ है, इसका कोड उसने लिखा है दोस्तों 2 6 और क्या लिख दिया है 7, उसी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। उसी प्रकार से गर्ल का पूछा जा रहा है दोस्तों, देखिए जी आई उसके बाद हो जाएगा आर और क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा, तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो उसने क्या किया है लॉजिक को देखिए यहाँ पर, अच्छा इसको इधर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए दोस्तों अच्छे तरीके से, इस जगह पर लिख देते हैं, देखिए जी आई उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आर और क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा उसने क्या किया है और कैसे, देखिए बी के लिए कोड ए बी सी डी आप जानते हैं दोस्तों 2 होता है, ओ के लिए जो है हम लोगों का 15 होता है, तो 15 उसी प्रकार से वाई के लिए क्या होता है दोस्तों 25 होता है, तो उसने अंकों को जोड़ दिया है, यानी अंक अंक को क्या कर दिया है दोस्तों जोड़ दिया है, यानी यहाँ पर जैसे हम लोगों का 15 को क्या किया है दोस्तों, देखिए 1 + 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, इसीलिए नीचे लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पर इस 7 कैसे आया दोस्तों, तो यहाँ पर इस जगह पर हम कर देते हैं कि 2 थोड़ा ऊपर में कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, इस जगह पर हाँ 2 और प्लस क्या दोस्तों 5 कर देंगे, यानी अंक को जोड़ दिया, उसका नंबर का अंक को जोड़ दिया, जो एक अंक वाला है तो एक अंक में ही रखा, जैसे बी का कोड तो 2 ही होता है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, लेकिन ओ का स्थान इसलिए 15 होता है, तो 15 को क्या कर दिया, यानी दोनों अंक को जोड़ दिया 1 और 5 को, तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई का 25 होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए, तो जी का तो हम जानते हैं 7 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई के लिए 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आर के लिए क्या होता है दोस्तों 18 होता है, जो 2 अंक में है उसको जोड़ना होगा। फिर हम लोगों के सामने एल के लिए क्या होता है दोस्तों 12 होता है, तो यहाँ पर जोड़ना होगा, यानी 1 + क्या दोस्तों 8 हो जाएगा, 12 का फिर 1 + क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से समझना होगा, यानी इधर कर देते हैं 1 + क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 12 का जोड़ना होगा 1 + 2, देखिए इसका कोड हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 9, लेकिन आर के लिए क्या कोड हो जाएगा दोस्तों, तो 8 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 हो जाएगा, यानी हम लोगों का 7993 कहाँ मिल रहा है, 7993, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए कि सर हमने तो स्कीप कर दिया, हुआ ही नहीं, कैसे करते इस तरीके के प्रश्न, हमने बताया कि यहाँ पर उसने कोड किया है जो 2 अंक वाला, अरे आर का स्थान एबीसीडी में 18 होता है, क्या बात करें, आप ऐसे नहीं जानते कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं सर, तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ऐसे क्रमांक याद रखना होता है, तो वही काम तो किए जो 2 अंक वाला है उसको क्या कर दिया हमने जोड़ के क्या कर दिए 1 अंक में लाए, जैसे आर 18 है तो 18 में यानी 1 और 8 है तो उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो वही 9 तो यहां पर लिखा, तो आप ऐसे काहे कर रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, कौन सा बुक है सबसे बेस्ट बुक के बारे में, तो देखिए हम बता रहे हैं दोस्तों चक्षु प्रकाशन के लिए, जो यूपीएसआई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉमेंट कर रहे हैं, फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि सर यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए, तो देखिए जो चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों मार्केट में यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, इसकी क्या खासियत है और इसमें क्या क्या कंटेंट डाले गए हैं, तो देखिए इसमें जो है दोस्तों हम लोगों के सामने आपको 4 सॉल्व पेपर मिल जाएगा इस बुक में, और हम लोगों का 3200+ सेलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जो
कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन इसमें सेलेक्टिव डाले गए हैं। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया या आपके नज़दीक में जो दुकान है दोस्तों वहाँ भी मिल जाएगा। सिर्फ आपको जाकर बोलना है कि UPSI के लिए चक्षु प्रकाशन का बुक दीजिए। और इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे आप जितने भी UPSI का जो सिलेबस है दोस्तों, जिस हम लोगों का यानी कि जैसे समान हिंदी में जितने भी चैप्टर है उससे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसका सॉल्यूशन दिया है। फिर और भी हम लोगों का जैसे मैथ हो गया दोस्तों, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया है। बुक को अच्छे से देख लीजिए ताकि खरीदते समय आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए सब चीज़ दिया गया है, मैथ के कौन कौन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सारा चीज़ इसमें दिया है, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब चीज़ इस बुक के अंदर में दिया गया है। जब इस बुक को हम पढ़े, रीड किए, देखे तो हमको काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, इस बुक को आप ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसका सॉल्व पेपर जो एग्जाम में यानी 2021 में जो एग्जाम हुए थे दोस्तों 2021 में, तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि हम लोगों का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए जिस तरह के, इसके साथ साथ ये देखिए देख लिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो यहाँ पर देख लिए। इसके साथ साथ और भी बुक आप ले सकते हैं, तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, एक बार में यदि आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, तो उस बुक के साथ साथ आप इन सभी बुक को ले लीजिए। जैसे यहाँ पर जितने भी बुक देख रहे हैं दोस्तों चक्षु प्रकाशन का, अगर इन सभी बुक को आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तैयारी आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चक्षु प्रकाशन का बुक हमको काफ़ी अच्छा लगा। इस बुक में उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए दोस्तों जो कई बार एकदम जिस तरीके के सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस में कई बार रिपीट किए हैं उस तरीके के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, तो जरूर इन सभी बुक को आप ले सकते हैं। ये सभी बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन या चक्षु प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका लिंक वगैरह सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो कोई परेशानी होता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर करा है कि यह दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब होता है चार में से तीन समान है दोस्तों एक अलग है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक अलग है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर है दोस्तों लेखक है, पाठक है, संवाददाता है, उसके बाद मुद्रक है, तो कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। देखिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पाठक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लेखक हो गया, संवाददाता हो गया, मुद्रक हो गया, तो ये सभी जो है यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का समाचार, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि समाचार पत्र का क्या है, समाचार पत्र के प्रकाशक में आते हैं। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, समाचार पत्र के प्रकाशक में आते हैं। ये सभी क्या आते हैं दोस्तों, प्रकाशक में आते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, पाठक जो है दोस्तों यानी समाचार पत्र को तो पढ़ने वाला हो गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या करने से आंसर आ सकता है। देखिए लेखक हो गया, संवाददाता हो गया, मुद्रक हो गया, ये सभी समाचार पत्र के क्या है, प्रकाशक है, लेकिन पाठक यानी कि मतलब होता है पढ़ने वाला, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, यानी कि डायरेक्शन दिशा से दिया गया करा कि विनीता दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और समकोणिक रास्ते पर दाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः थोड़ी देर जाने के बाद समकोणिक रास्ते पर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो वह अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर करने का क्या तरीका है, इस तरीके का सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिंस दे देते हैं दोस्तों कि इधर आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे में आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इस प्रकार से आपका क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन यानी कि एक दिशा होता है, ये हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर में हम लोगों के सामने उत्तर, नीचे दक्षिण। तो अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल दीजिए, करा विनीता दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, तो दक्षिण का मतलब होता है नीचे की ओर, तो ये देखिए दक्षिण की ओर चले गए। फिर कह रहे एक समकोणिक रास्ते पर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो समकोणिक का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। करें कि पुनः थोड़ी देर जाने के बाद समकोणिक रास्ते पर फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से क्या हो गया दोस्तों, दाईं ओर, तो इस साइड मुड़ गया, तो
तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, यानी ऊपर कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। घबराना नहीं है, अच्छे से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि यदि जल को भोजन, भोजन को यहाँ पर कह रहा है दोस्तों वृक्ष, और वृक्ष को आकाश तथा आकाश को दीवार कहा जाए, तो इनमें से फल कह रहा है कि किस पर फल लगता है। तो देखिए फल हम लोगों का किस पर लगता है, यानी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर हम लोगों का किस पर, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, किस पर फल लगता है, इस जगह पर लिख देते हैं फल लगता है। तो आप जानते हैं दोस्तों फल जो लगेगा तो किस पे लगेगा, तो वृक्ष पे लगेगा, यानी किस पे लगेगा दोस्तों, वृक्ष पे। तो देखिए वृक्ष को उसने क्या कहा रहा है, वृक्ष को आकाश कहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। उसने कहा कि वृक्ष को, यानी कि क्या कहा गया है, कोड क्या क्या कहा गया है, आकाश, यानी वृक्ष के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आकाश हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा देखिए एकदम लंबा दिख रहा है, तो घबराहट फिर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न, रिसेंटली एक एग्जाम में देखे थे इस तरीके का क्वेश्चन जो पूछा गया है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रिया ने क्या है दोस्तों, राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, और यमुना कह रहा है कि उतने ही अंक प्राप्त किए हैं जितने की दिव्या ने किए हैं, कह रहा है कि लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। अब लीजिए किस तरीके से घुमाया है, तो चलिए दिखाइए कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि राहुल, यहाँ पर लिखा है कि पढ़ते चलिए, किसी परीक्षा में प्रिया ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी प्रिया इस जगह पर लिखा जाए, यानी यहाँ पर लिखा जाए दोस्तों, कह रहा है प्रिया जो है, हाँ इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, इस जगह पर लिखते हैं, ये देखिए प्रिया जो है कह रहा है कि राहुल से अधिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राहुल हो जाएगा, उसने कहा कि राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ठीक है प्रिया ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। अब लिखा है कि यमुना ने उतने ही अंक प्राप्त किए जितना, तो देखिए प्रिया और राहुल क्वेश्चन में यही रिलेटेड खोजना है कि प्रिया और राहुल के पास और कोई नाम है क्या आगे, मतलब आगे पीछे इसका, तो यमुना से अभी नहीं आगे आगे बढ़ेंगे, लोकिता मंजू से कम ये भी नहीं, हाँ राहुल ने यहाँ पर देखिए इस जगह पर मिला, फिर राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी राहुल ने क्या दोस्तों यमुना से, इस जगह पर आप क्या लिख लीजिएगा दोस्तों, यमुना लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि उसी तरीके का नाम ढूंढना होता है कि कहां पर दिया गया है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड। तो यहां पर कह रहा है कि राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ठीक है, तो यहां पर लिखा था, अब देखिए इस जगह पर लिखा यमुना ने उतने ही अंक प्राप्त किए कि जितने जितने की किसने किया है दोस्तों, दिव्या ने, तो ठीक है यमुना और दिव्या को अगर इस जगह पर लिख लिया जाए हम लोगों के सामने, यमुना और दिव्या क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किया है, तो इस जगह पर लिख लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, दिव्या लिख लीजिए, ठीक है इस जगह पर, क्योंकि दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किया है। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि लोकिता मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने इस, हाँ यहाँ पर है कि मंजू ने क्या किया दोस्तों, दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, तो मंजू क्या कर लेंगे दोस्तों, यानी दिव्या से क्या कर लेते हैं कम, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंजू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंजू हो जाएगा हम लोगों के सामने, यहाँ बोला है कि मंजू ने क्या किया है, दिव्या से कम, लोकिता कह रहा है कि लोकिता मंजू से कम, यानी लोकिता क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर लोकिता क्या हो जाएगा, मंजू से कम हो जाएगा, देखिए उसने कहा है कि लोकिता इस जगह पर, देखिए लोकिता मंजू से कम, यानी लोकिता क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे नीचे हो जाएगा, इस जगह पर आप लिख लीजिए लोकिता, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकिता। तो देखिए हम लोगों से वही पूछा किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए, क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराना नहीं था, डरना नहीं था, अगर आप डर जाएंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन देखते ही आप छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि करना होगा। हमने आपको बता दिया कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, लोकिता, कैसे लोकिता, तो हमने यहाँ पर बताया कि इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले, तो यहाँ पर कह रहा है कि गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है, तो ठीक है, यानी गीता से क्या कहता है दोस्तों, रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है,
तो रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि शौकीन है कि क्या है नहीं है। सिर्फ वहाँ पर दिया है कि गीता रंजीत से कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है, ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। करे गीता कुत्ते को पसंद करता है, ये भी बात नहीं कह सकते हैं कि यानी गीता रंजीत से कहता है मीना के पास एक कुत्ता है, तो कुत्ता है, कुत्ता को पसंद करता है, पालने का शौकीन, ये लोग हम ये दोनों नहीं कह सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझना होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले सवाल लगभग स्टूडेंट गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि कथन को पढ़ना होता है, उसके बाद निष्कर्ष को उसी आधार पर तय करना होता है। तो वहां पर गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है, तो लेकिन कुत्ते पालने का शौकीन, पालने के बारे में तो जिक्र ही नहीं है, कुत्ते को पसंद कर रहा है तो ये भी जिक्र नहीं है। तो हम लोग सी इस प्रश्न का आंसर, ना तो एक ना तो दो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।